देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस गति से विकास हो रहा है उसी गति से मुंबई में प्रदूषण भी जोरों शोरों से बढ़ रहा है। अगर वक्त रहते ही इस बढ़ते वायु प्रदूषण पे काबू नहीं पाया गया तो फिर मुंबई में प्रदूषण का कहर बढ़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने एक अनोखा प्रयास किया है। अब मुंबई महानगर पालिका वायु प्रदूषण कम करने वाली अनोखी मशीन लगाएगी जिसके तहत वाहनों से बड़ी मात्रा में निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को काबू में लाया जा सकता है। जिन जगहों पर बड़े पैमाने में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या ज्यादा होती है ऐसे भी इस जगहों पर प्रदूषण को काबू में पाने के लिए ये मशीनें लगाई जाएंगी। फिलहाल ऐसी एक मशीन मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय के पास लगाई गई है जिसका जायजा मेट्रो मुंबई की टीम ने लिया। जो मुंबई के गति का विकास है, विकास की गति है, ऐसे ही कुछ स्थिति है मुंबई के प्रदूषण का। मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे वाहनों का आना जाना होता है, इससे क्या होता है तो प्रदूषण होता है। मुंबई जिस तरह से तरक्की कर रही है, विकास कर रही है, उसी तरह से मुंबई के प्रदूषण में भी बहुत ज्यादा जो है मात्रा बढ़ रही है और यही मात्रा कम करने के लिए मुंबई यहाँ ऐसे मशीन लगने वाली। देखिए मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई महानगर पालिका के हेड ऑफिस में, मतलब बीएमसी। मेरे बाजू में सीएसटी स्टेशन है और भारी संख्या में यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आती रहती है। इससे क्या होता है प्रदूषण फैलता है, वो प्रदूषण ना हो या कम हो इस तरह से ये मशीन लगाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे लगा है रिडक्शन ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस मल्टी स्टेज फिल्टर सिस्टम। इसका मतलब ये कि ये कार्बन जो वाहनों से धुआं आता है जिससे कार्बन और जहरीली जो गैस निकलती है वो कम करने का काम ये मशीन करने वाले। आने वाले दिनों में मुंबई में ऐसे 20 जगह पे जहाँ पे भारी मात्रा होती है, आप मेरे बाजू में भी देख सकते हैं जो ट्रैफिक हो रही है, इससे जो प्रदूषण होता है वो कम करने के लिए 20 ऐसे मुंबई के बड़े ट्रैफिक सिग्नल पे ये मशीन जो है मुंबई मनपा बिठाने वाले, जिससे मुंबई वालों को ताजी हवा और अच्छी हवा जरूर मिलेगी। कई दिनों से जहाँ मुंबई में लगातार वायु प्रदूषण की खबरें सामने आ रही है वही बीएमसी की इस मशीन की वजह से मुंबई वालों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और वायु प्रदूषण से जल्द निजात मिलेगा। मेट्रो मुंबई के लिए सुरेंद्र झोटिंग की रिपोर्ट।